फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ज़्यादा 100% असरदार जो है घरेलू नुस्खा लेके आई हूँ, और ये बहुत ही इजी है, होम रेमेडी है, आपको बनाना बहुत ही आसान है। और जो मैं टॉपिक लेके आई हूँ बालों के ऊपर, बालों को कैसे हम काला कर सकें, इंस्टेंट काला भी करना, मैं आप लोगों को आज बताऊंगी। और इसमें कोई भी केमिकल नहीं है, कोई हेयर डाई नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसान है इसको बनाना। और आप जो इसको जो है घर पे ही आसानी से बना सकते हैं, 10 से 15 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हैं, और उसके बाद आप इसको लगा सकते हैं। चलिए चलते हैं अब मेरे किचन में, वो सारी जो अवेलेबल है वो सारे किचन में अवेलेबल है। और इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ के साथ जो बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जब भी मेरी कोई लेटेस्ट वीडियो आती है तो सबसे पहले आप लोग उसको देख सकें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले मैं बताना चाहूँगी, मैं बालों के ऊपर ही क्यों बनाती हूँ, मुझे एक दिन में जो है 100 से 200 मेरे को मेल आती है। हर टॉपिक पर ऐसा होता है कि पोस्ट प्रेगनेंसी में मैं हमारे बाल बहुत झड़ रहे हैं, या हमारे जो है छोटी उम्र में बाल जो है काले नहीं हो पाते, सफ़ेद ही रहते हैं, बहुत ज़्यादा हम केमिकल यूज़ कर चुके हैं, डाई लगा चुके, जिससे कि हमारा गंजापन आना स्टार्ट हो गया, बहुत ज़्यादा जो है प्रॉब्लम्स जो है बहुत ही ज़्यादा हमारे बालों पे होने लग गई। और वो जो है सबसे पहले हम फ्रंट पे जब भी देखते हैं तो हमारे फेस और बाल ही सबसे पहले नज़र आते हैं, जो कि सबसे पहले जो है ना फर्स्ट इंप्रेशन पड़ता है इंसान का। तो इसी के लिए जो मैं आज एक जो टॉपिक लेके आई हूँ बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, और ये जो है बनाना बहुत ही आसान है। चलिए चलते हैं किचन में। सबसे पहले हमें एक बाउल लेना होगा, बाउल में हमें जो है सबसे पहले ये जो मेथी दाना है, आप एक मुट्ठी मेथी दाना ले सकते हैं, आप इसमें मैंने एक मेथी दाना डाल दिया है। साथ में हमें इसमें जो ऐड करना होगा कलौंजी, जो आपको पता है ये कलौंजी मैंने काफ़ी सारी वीडियो बना चुकी हूँ, कलौंजी पे भी आप देख सकते हैं, और ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा जो है असरदार उपाय है इसका, और ये गंजापन को भी दूर करता है। जितना भी अगर आपके बालों में डैंड्रफ है, रूसी है, सारा इसको जो है बिल्कुल क्लीन करता है। और ये देखिए ये है कलौंजी, और इसको जो है मैं इसमें डाल दूंगी। इन दोनों को जो है हमें जो है इसका बिल्कुल महीन पाउडर बनाना होगा, मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं, या आप इसको सिलबट्टे पे भी जो इसको पीस के जो है हमें इसको जो है बॉयल करना होगा। ये दोनों को हमें जो है बनाना है, आप देख सकते हैं ये हमारा जो है, आप ये दोनों जो है एक एक मुट्ठी आप इसको ले सकते हैं, और इसको जो इसकी क्वांटिटी आप कलौंजी की जो है थोड़ी सी और एक्स्ट्रा बढ़ा सकते हैं। और ख़ासतौर से जो मेथी दाना मैंने लिया, इसका जो तासीर होती है थोड़ी सी गर्म होती है, मगर विंटर्स के लिए बिल्कुल असरदार होती है, बहुत ही अच्छा है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। और इसका जो है बालों के लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे जो सफ़ेद बाल है उनके लिए बहुत ज़्यादा ये जो है असरदार दिखाएगा ये। और आप देख सकते हैं इन दोनों को मैंने मिक्स कर लिया, अब इनको जो है मैं इसका पाउडर बना सकती हूँ। अगर आप इसको पाउडर नहीं भी बना सकते तो आप इसको ऐसे ही इसको जो है बॉयल कर सकते हैं। चलिए मैं इसको बॉयल कर लेती हूँ। मिक्सी का मैंने एक जार ले लिया है, और इन दोनों को जो है मैं इसमें जो है ग्राइंड कर लूँगी, इसको बिल्कुल बारीक जो है हमें ग्राइंड करना है। देखिए इसको मैंने बिल्कुल बारीक कर लिया है, मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए कितना मैंने बारीक कर लिया है, मेथी दाना और कलौंजी को हमने बारीक कर लिया है। जैसा इसका पाउडर अभी हमारे हाथ में लग रहा है ऐसे ही हमारे जो इसका जो कलर है बालों में लग जाएगा, और आपको बिल्कुल घरेलू नुस्खा है ये। ये देखिए बिल्कुल बारीक आपने पीसना है इसको। अब मैं इसको जो है बॉयल कर लूँगी, और एक पैन में ले लूँगी, और इसमें मैं जो है पानी डाल दूँगी, एक गिलास मुझे पानी डालना है, और जितना मैंने ये पाउडर मैंने पीसा था मैं इसमें डाल दूँगी मैं इसको। और इसके बाद जो ये इसको अच्छे से मैं जो है बिल्कुल जो पानी इसका थोड़ा सा रह जाएगा, क्वांटिटी इसकी जो बिल्कुल थोड़ी सी रह जाएगी आधे गिलास के बराबर, तब मैं इसको जो है गैस ऑफ कर दूंगी। तब हम इसको जो है मेहंदी में इसका जो पानी को ऐड करना है, छान के हमें इसको जो पानी जो है मेहंदी में ऐड करना है। उसके बाद आप इसको ओवरनाइट रखिए, या आप इसको जो आधे घंटे बाद इसको जो है लगा सकते हैं बालों में, और 100% ये आपको बाल आपके बाल जो है बिल्कुल काले करेगा। साथ के साथ जितनी भी आपकी समस्या है बालों की, गंजापन है, रूसी है, डैंड्रफ है, या आप लोगों के जैसे बालों में झड़ना जो स्टार्ट हो जाता है उसके बाद जो फंगस टाइप भी होता है, काफ़ी लोगों को जो फंगस की प्रॉब्लम होती है वो भी सारी क्लीन हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर जो मेथी दाना और जो कलौंजी ऐड है वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा। और ये अभी जो है अभी बस ये अच्छे से जो है बॉयल हो जाए, बॉयल होने के बाद ही आप इसका कलर देखिएगा, बहुत ही अच्छा करेगा। मैं आपको जब 10-15 मिनट में आपको दिखाती हूँ, जब ये अच्छे से बॉयल हो जाता है तब इसका जो कलर मैं आपको दिखाऊंगी। फिर इसके पानी को जो है आपको मेहंदी में ऐड करना होगा, मेहंदी में कैसे ऐड करना होगा, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले वो भी मैं आपको आगे बताती हूँ। काफ़ी ज़्यादा बॉयल होने लग गया है, ये थोड़ा सा ड्राई हो जाए तब मैं उसके बाद इसको जो है इसमें मेहंदी ऐड करूँगी। है ये अच्छे से बॉयल हो चुका है, अब मैं इसके पानी को जो है छान लूंगी मैं। देखिए आप कितना काला रंग आ चुका है ये, मैं आपको जरा थोड़ा सा नजदीक से दिखाती हूँ, ये
काफ़ी ज़्यादा काला हो चुका है और ये बहुत ही ज़्यादा असर करेगा। अब मैं गैस को ऑफ़ कर दूँगी। गैस ऑफ होने के बाद थोड़ा सा कूल हो जाए तब मैं इसको छान लेती हूँ और तब हमें जो है मेहंदी में इसको ऐड करना है। कि मैंने अब जो ले लिया है, मैंने लोहे की कढ़ाई मैंने ले ली है और इसको जो है मैं इसमें मैं थोड़ी सी जो है मेहंदी मैं डालूंगी। जितना भी आपके बालों के अकॉर्डिंग आप इसमें मेहंदी को ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ मेहंदी ले रही हूँ, 2 से 3 करछी जो है हम जो है मेहंदी ले सकते हैं। देखिए मैंने मेहंदी ले ली है। अब हम इसके अंदर जो ऐड करेंगे, जो मैंने पानी जो बनाया था मैंने कलौंजी और मेथी दाना का, वो इसमें हमने ऐड करना है। और साथ के साथ जो, क्योंकि मैंने हल्का सा गर्म पानी मैंने किया था, और साथ के अगर आपको लगता है कि आपका पानी इसमें कम लग रहा है तो आपको जो है एक थोड़ा सा और गर्म पानी करके आप इसमें जो है ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है पानी एक्स्ट्रा जो है थोड़ा सा गर्म कर लिया है। ठंडा पानी आप जो है बिल्कुल भी ऐड मत कीजिएगा क्योंकि फिर ये अच्छा सा कलर नहीं देगा ये बालों में। आपको इसको अच्छे से जो है, जब तक ये ठंडा नहीं हो जाए तब तक आप इसको बालों में बिल्कुल मत लगाइए। और थोड़ा सा आप इसको जो है गाढ़ा पेस्ट ही रखिएगा इसको। और साथ के साथ जो आप इसमें जो है आंवला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि विटामिन सी होता है इसके अंदर, हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। आप इसके अंदर जो है थोड़ा सा आंवला पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। आप हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ओवरनाइट ही रखिए और उसके बाद ही इसको जो अपने बालों में लगाइएगा। अगर आपको ज़्यादा इंस्टेंट लगाना है तो 15 से 20 मिनट इसको आप जो है अच्छे से ठंडा होने दीजिए, उसके बाद आप इसको बालों में लगा सकते हैं। अगर आप इसको जो है रेगुलरली अगर 2 से 3 डेज इसको ज़रूर लगाएंगे तो आपको खुद फर्क लगने लग जाएगा कि आपके बालों में काफ़ी ज़्यादा जो रूखापन था, जो सफ़ेद बाल थे, सफ़ेद बालों के लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है मगर जो रूखापन डैंड्रफ फंगस था वो सारा जो है क्लीन होना शुरू हो जाएगा आपके। देखिए अब इसको जो मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, ये ठंडा हो जाएगा तब आप इसको जो अपने इस पेस्ट को अपने बालों में लगा सकते हैं। ये जो है पेस्ट मेरा रेडी हो चुका है, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाएगा, 1.5 से 1 घंटे बाद आप इसको लगा सकते हैं। और इसको जो है आप ओवरनाइट अगर रखेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा और अच्छे से जो है ये पेस्ट थोड़ा सा स्टिकी सा लगा है और आपको थोड़ा सा ये हार्ड ही रखना होगा। इसमें जितना हो सके पानी कम ऐड कीजिएगा, अगर पानी अगर आपको ऐड करना पड़ जाता है जो मैंने आपको बताया वही पानी ऐड कीजिएगा। उसके अलावा हल्का सा वार्म वाटर कर लिए वही आप इसको ऐड करिए और ये आप खुद देखेंगे इसका रिजल्ट जो है बहुत ही ज़्यादा असरदार होगा, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको इसका मिलेगा। और इसको लगाएंगे आप इसको 2 से 3 बार इसको अगर आप इसको लगाते हैं वीक में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है ये। आई होप आप लोगों को आज की ये जो होम रेमेडी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा मेरे चैनल को और ऐसे अच्छे अच्छे टिप्स और यूजफुल टिप्स जो है आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ।